पहला वनडे टाई होने के बाद दूसरे मैच में कप्तान रोहित ने क्यों बदल डाली टीम। मैच से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित ने बुलाया अपना ब्रह्मास्त्र। पहले मैच में जिन्होंने डुबाई टीम की लुटिया उन पर कोच और कप्तान नहीं खाएंगे रहम। भारत श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा। इस मैच में टीम इंडिया की ओर से काफी खराब बल्लेबाजी देखने को मिली। भारतीय टीम 50 ओवर में 231 रनों का टारगेट अचीव नहीं कर पाई और तो और 14 गेंदों में जीत के लिए टीम इंडिया को सिर्फ एक ही रन बनाना था, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। अब आज इस सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के बाद दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। दूसरे मैच में केएल राहुल को बाहर कर रास्ता दिखाया जा सकता है और की जगह ऋषभ पंत को मौका मिलेगा। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर आए केएल राहुल पहले मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों में 31 रन ही बना सके। हालांकि उन्होंने अक्षर पटेल के साथ साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन अहम मोड़ पर वो आउट हो गए। उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत को जगह मिल सकती है। ऋषभ पंत श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक मुकाबला खेला है। पंत ने 2019 में एक मुकाबला खेला था जिसमें उन्होंने 4 रन बनाए थे। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ऋषभ पंत को सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर उतार सकते हैं। इसी के साथ टीम इंडिया में एक और बड़ा बदलाव हो सकता है। शिवम दुबे की जगह दाएं हाथ के ऑलराउंडर रियान प्राक को मौका मिल सकता है। रियान ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने अभी तक वनडे डेब्यू नहीं किया, उन्हें डेब्यू करवाकर मिडिल ऑर्डर में भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि अब तक भारत और श्रीलंका के बीच 169 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मैचों में टीम इंडिया ने 99 में जीत हासिल की है, वहीं श्रीलंका ने 57 मुकाबले जीते। ऐसे में अगर आज टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो श्रीलंका के खिलाफ वनडे में उनका जीत का शतक पूरा हो जाएगा। दोनों के बीच कुल 11 मुकाबले बेनतीजा रहे और 2 मुकाबले टाई रहे। भारत ने 99 मैचों में 40 मुकाबले घरेलू सरजमी पर, 32 मुकाबले बाहर और 27 न्यूट्रल वेन्यू पर जीते हैं। कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 230 रन बनाए थे। फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 47.5 ओवर में 230 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इस तरह दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पर रह गया था और मुकाबला टाई हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भी आज कोलंबो में खेला जाएगा। सीरीज के तीनों ही मुकाबले कोलंबो में होने हैं। पहले मैच में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए काफी मददगार साबित हुई थी। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिली थी, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे मुकाबले में कैसी पिच रहती है। दोनों के बीच हेड टू हेड देखकर साफ पता लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा श्रीलंका के खिलाफ काफी भारी है। ऐसे में आज टीम इंडिया जीत की प्रबल दावेदार दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम बाजी मार सकती है। तो चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 पर। रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रियान प्राग, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह। तो इन 11 धुरंधरों के साथ आज श्रीलंका को दूसरे वनडे में हार का स्वाद चखाने मैदान पर उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।